दोस्तों क्या कभी आपने FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर के बारे में सुना है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप किसी डिवाइस से फाइल कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि डिवाइस टू डिवाइस फाइल कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आपने FTP सर्वर के बारे में सुना होगा। जो आपका टोरेंट होता है वो FTP सर्वर के तरह ही काम करता है, यानी कि वो एक जो डिवाइस से टू डिवाइस फाइल ट्रांसफर करता है, यानी वो एक फाइल ट्रांसफरिंग सर्वर है। या फिर जितनी भी और वेबसाइट है जिससे आप किसी को फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि जीमेल हो गया, आप जीमेल से किसी को फाइल भेज सकते हैं, तो वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। या फिर व्हाट्सएप भी इसी की तरह काम करता है। मगर क्या आप किसी ऐसे सर्वर बनाना चाहते हैं जिससे आप उसे अपने घर के वाईफाई से कनेक्ट कर दें, उसके बाद उसके अंदर जितनी भी फाइल स्टोर है उन्हें आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि अगर आप उस वाईफाई की रेंज में, यानी कि आपने उसी सेम नेटवर्क से कनेक्ट किया हुआ है, तो आप उन फाइल को वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हैं। मान लो आपके पास कोई पुराना जो लैपटॉप है या फिर कोई पुराना मोबाइल है, तो आपको अगर लैपटॉप है तो आपको उसमें कुछ नहीं करना चाहिए, आपको जो भी फाइल ट्रांसफर करनी है, यानी कि आप एक फोल्डर ले लीजिए, उस फोल्डर में मान लो आपकी दो हार्ड डिस्क है, यानी कि ये आपके पीसी में एक हार्ड डिस्क है, उसके आपने दो पार्टीशन बनाए हुए हैं। एक पार्टीशन में आपकी जो विंडो है, जो दूसरे पार्टीशन है आपको उसे शेयर करना चाहते हैं, यानी कि मान लो आपके पास 1 TB की हार्ड डिस्क है, उसमें आपने 200 GB का विंडो स्टोर कर दिया, साथ ही आप जो बची हुई हार्ड डिस्क है यानी 800 GB, आप चाहते हैं कि ये सर्वर की तरह काम करे, यानी कि आप पूरी फैमिली का कोई भी इंसान उसके अंदर कोई भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है, और वहाँ से जितनी भी फिल्में पड़ी है, मूवी, फोटो, जो भी फाइल वहाँ पर है उन्हें एक्सेस कर सकता है। अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक जो अलग हार्ड डिस्क होगी उसको आप फाइल्स उस पर राइट क्लिक कीजिए, उसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो आपको वहाँ पर शेयर का ऑप्शन मिलेगा, आप उसे पब्लिकली शेयर कर दीजिए, यानी कि जितने भी डिवाइस उस नेटवर्क कनेक्ट है उनके पास वो आसानी से दे सकते हैं। मगर आप सोच रहे हो ये तो सिर्फ पीसी टू पीसी होता है, मगर ये जो आपने पीसी से फाइल ट्रांसफर की ये तो दूसरे पीसी में देखी जाती है, मगर इसे आप मोबाइल में ही देखेंगे। इसमें आप मोबाइल में देखने के लिए आपके पास एक टूल अवेलेबल है जिसका नाम है ES फाइल एक्सप्लोर है। इसे आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, यानी आप जिस जिस डिवाइस में उन सारे डेटा को देखना चाहते हैं उन सभी डिवाइस में आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद जैसे आप इसके नेटवर्क में जाते हैं वहाँ पर आप इसे स्कैन करने के बाद, जैसे आप उसे स्कैन करते हैं आपका जो पीसी का नाम है वो वहाँ पर आ जाता है। जैसे आप उसे खोलते हैं तो आपके पीसी में जितनी भी फाइल स्टोर है वो सारी वहाँ पर दिखा देगा। अब इसे जैसे कि आप अपने मोबाइल में काम लेते हैं जो फाइल एक्सप्लोर होता है ये ठीक उसी तरह है, सिर्फ आपको इसमें नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ता है, तभी आप ये जितनी फाइल पीसी में स्टोर है वो देख सकते हैं। इसकी स्पीड डिपेंड करती है जो आपकी वाईफाई राउटर की स्पीड है उस पर। तो मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि आप अपने घर पर एक जो सर्वर होता है वो कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।